बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है जी ग्रीन लाइन का फुल रिव्यू फ्रॉम कराची टू रावलपिंडी। सो जैसे ही जर्नी स्टार्ट हुई तो उन्होंने वेलकम ड्रिंक ला के दिया, विच इज़ अ जूस, टैंक जूस था आई थिंक। सो कोई किसी ब्रांड का नहीं था, लाइक उन्होंने टैंक को ही पानी में डिसॉल्व करके वो दिया हुआ था। सो उसके बाद ये चीज़ मैंने ली हुई थी जाहिद निहारी। सो आई वॉज जस्ट कैप्चरिंग इट के ओके ये मैंने जस्ट ली थी। और ये कैन में होती है और इसका ये सीन होता है कि 6 मंथ इसका टाइम होता है। और ये जस्ट मैं चेक करी थी कि इतने ग्राम की है। सो मुझे ग्राम कहीं पे भी लिखा हुआ नज़र नहीं आया, बट ये अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो की ही होती है। सो ये देखें जी, जुलाई से दिसंबर तक इसकी एक्सपायर होती है, अराउंड 6 मंथ्स। सो उसके बाद जी मैंने सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया। और ये जी मैं घर से लेकर आई थी, लाइक सैंडविच टाइप था। और ये जी चॉकलेट बिस्किट्स और साथ में जूस। और बस ये था जी होल एम्बियंस पॉलर कार का। और इनिशली मैंने नहीं बताया बट मैंने बुक की हुई थी पॉलर कार, ठीक है जी। और इसमें सीट्स इस टाइप की होती हैं, ठीक है, और कंफर्टेबल होती हैं। आप ऐसे अपने पाँव को सीधा कर सकते हैं और बस इतनी लेग स्पेस होती है इसकी, अच्छा जी। और साथ में हाय ओके जी। और ये जी इन्होंने यहाँ पे टैप्स लगाए हुए थे और यहाँ पर आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, ड्रामास वगैरह होते हैं, कार्टून वगैरह होते हैं। सो ये जी मैं आपको लेग स्पेस दिखा रही थी इसकी। यहाँ पे चार्जिंग पॉट था और 3 पॉट्स थे, सो यू कैन चार्ज इजीली एनी ऑफ योर 2 और 3 डिवाइसेस प्रोबेबली। सो ये जी साथ में खाना पीना तो चलता रहेगा। और ट्रेन की तरफ से जस्ट वेलकम ड्रिंक मिला था बस, और उसके बाद जी ये मैंने कहा ज़रा कुछ खा पी लेते हैं। और ये न्यू फ्लेवर आया लेस का चिली फ्लेवर, सो इट्स मोर लाइक मसाला फ्लेवर। सो ये था जी ट्रेन का किचन। और यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा था, क्रंची चिकन, जो ये बर्गर्स वगैरह दे रहे होते हैं, इसकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है अगर आपको खाना है तो। सो वैसे ही जस्ट मैंने विज़िट किया किचन का, और किचन की क्लीनिनेस तो इतनी नहीं थी, इतनी साफ़ सफाई नहीं थी, इनफैक्ट किचन में ही नहीं पूरी ट्रेन में ही। ऑन दी अदर हैंड जब मैं रावलपिंडी से कराची गई थी तो ट्रेन काफ़ी साफ़ थी, सो सफाई तो इतनी अच्छी नहीं थी। सो उसके बाद जी ये मैं आपको दूसरी क्लास में लेकर जा रही थी। और ये एसी स्टैंडर्ड था उस साइड पे, ये जस्ट उन्होंने अपना कुछ ना कुछ रखा होगा। सो ये आपको पूरा थोड़ा सा वे जो है वहाँ से गुजरना पड़ता है, बना होता है एक रास्ता टाइप। सो उसके बाद ये था जी एसी स्टैंडर्ड जी, मैं आपको सुबह में दिखाऊंगी क्योंकि मैंने जब यहाँ पे जाकर देखा तो मुझे काफ़ी रश फील हो रहा था। एक्चुअली सीन ये था, जब मैं ट्रैवल कर रही थी बहुत 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 ज़्यादा रश था। ऑन दी अदर हैंड जब मैंने पिछली दफ़ा ट्रैवल किया था फ्रॉम रावलपिंडी टू कराची तो उस टाइम पे काफ़ी सीट्स वगैरह खाली थी। सो मेरे माइंड में तो वही था कि अवेलेबल होंगी, बट नहीं जी, फुली पैक थी इस बार और एक भी सीट नहीं थी, सोल्ड आउट थी टिकट्स इनफैक्ट इनकी वेबसाइट पर। खैर मैं अपनी सीट पर वापस आ गई और बस अब थोड़ा सा बैठते हैं यहाँ पर। और मैं आपको स्पीड यहाँ पे दिखा रही थी, 31 थी इस टाइम किलोमीटर पर, और जो कि बहुत स्लो है। और ये जी फुल्ली पैक्ड सीट्स ऑफ एसी पॉलर ग्रीन लाइन फ्रॉम कराची टू रावलपिंडी। सो अच्छा जी, बेसिकली ग्रीन लाइन जो है इसके 6 स्टॉप्स होते हैं टोटल फ्रॉम कराची कैंट टू रावलपिंडी। सो
अभी रात का कोई टाइम हो रहा था, आई थिंक सो 1 बज रहा था और नेक्स्ट स्टेशन वो शो कर रहे थे रोड़ी का। सो नेक्स्ट स्टेशन रोड़ी, ये देखें अगला स्टेशन रोड़ी। यहाँ पर मतलब ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेशन तकरीबन कोई 3 या 4 घंटे के बाद आता होता है, तो ये पहले से ही यहाँ पर शो होता रहता है। आपकी आपको स्पीड भी शो होती रहती है कि इस टाइम ग्रीन लाइन की क्या स्पीड है और नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है। सो अराउंड 5 o'clock हम रोड़ी पहुँचे, और अभी तो ये रात का टाइम था। और ये जी मैंने नेक्स्ट पैकेट खोल लिया था लेस का चिली फ्लेवर और विथ कोल्ड ड्रिंक, और खाते जाएं एंजॉय करते जाएं। सफ़र इतना अच्छा गुजर जाता है आपका क्योंकि एसी होता है। एसी अगर ना हो तो यस डेफिनेटली गर्मियों के मौसम में इतना लंबा ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको ट्रैवल करना है और आपके पास इतना बजट है तो आपको डेफिनेटली या तो बिज़नेस क्लास करवानी चाहिए और या फिर आपको पॉलर क्लास करवानी चाहिए। और एसी स्टैंडर्ड भी आप करवा सकते हैं, नो इश्यूज़, क्योंकि एसी तो वहाँ पर भी होगा। सो इस टाइम तक सब लोग तकरीबन सो चुके थे और मेरे पास तो मेरी 7 वाली सीट भी खाली थी, और तकरीबन मैं बस रोड़ी तक तो अवेलेबल रही ये सीट। और इस टाइम पर मैं आपको वॉशरूम का रिव्यू कराती हूँ ज़रा। और ये था जी छोटा सा वॉशरूम, और इस टाइम तक तो क्लीन था काफ़ी, और पानी भी अवेलेबल था यहाँ पर, और बट सोप वगैरह अवेलेबल नहीं था, जो कि रावलपिंडी से जब मैंने कराची ट्रैवल किया था तब तो सोप भी अवेलेबल था। खैर नेवरदलेस अब जी चलते हैं वापस अपनी सीट पर, और अब मैं आपको ज़रा सीट पर जाके इसकी टिकट की प्राइसेस बता देती हूँ, जो कि 2023 जून जुलाई में चल रही हैं। और अच्छा जी, सो सबसे पहले हम बिज़नेस क्लास की बात कर लें, तो उसका टिकट है कोई 9,500 का, और ये रही इस टाइम पे सीट थी 83। और पॉलर ये जी एक मिनट, मैं आपको साथ साथ अपडेट भी कर दूँ। ये हम पहुँच चुके थे जी रोड़ी, और रोड़ी में तकरीबन जी कराची साइड पे सिंध साइड पे आपको पता है फजर थोड़ी लेट होती है, तो ये हम रोड़ी पहुँच चुके थे। और रोड़ी वो स्टेशन है जहाँ पर आप रात को अगर पहुँचते हो तो फिर आप सुबह ही चलते हो, क्योंकि ऐसे टाइम पर ट्रेन पहुँच रही होती है। अभी हम कराची से रावलपिंडी जा रहे थे तो हम तकरीबन 5 बजे यहाँ पर पहुँचे थे रोड़ी, और इस टाइम पर जी यहाँ पर ट्रेन में पानी वगैरह डाला जा रहा होता है, इंजन्स वगैरह चेंज हो रहे होते हैं, बाकी कोई अगर मसला वगैरह है तो स्टाफ उनका ठीक करता है। तकरीबन ये 45 मिनट का स्पॉट स्टॉप होता है रोड़ी का। सो टिकट्स के बारे में जो मैं आपको बता रही थी वो ये था कि जी बिज़नेस क्लास की तकरीबन 9,500 की है, पॉलर की 8,500 की है, और बाकी ये जो आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा ग्रीन लाइन का, ठीक है जी। चांद भी नज़र आ रहा था सो उसको भी कैप्चर कर लिया। और यस, अगर आप रावलपिंडी से जा रहे होते हैं कराची तो भी आप तकरीबन इसी टाइम 5 बजे या 6 बजे तक आप रोड़ी पहुँचते हैं, और मतलब रात को रात अंधेरे में आप इधर पहुंचते हैं और थोड़ी रोशनी में आप यहाँ से निकल जाते हैं। सो ये चीज़ का स्टाफ आपने ऊपर देखा कि वो रिफिल कर रहे हैं वाटर वगैरह वॉशरूम्स वगैरह के लिए गाड़ी में डाल रहे हैं। सो बस जी इतना ही रोड़ी स्टेशन मैंने आपको दिखाया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसा और नहीं था। मैं तो वैसे ही उतर गई थी जस्ट टू मेक अ वीडियो फॉर माई ब्लॉग। सो बहुत फेमस स्टॉप है ये सिंध का, और इनफैक्ट हम सिंध के सिर्फ हैदराबाद और रोड़ी ग्रीन लाइन रुकती है, और तो इतना कोई खास नहीं रुकती। अच्छा जी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो चलें जी अपनी सीट पे जाते हैं वापस। और हाँ जी, और जहाँ तक एसी की बात, तो एसी भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा होता है। इनफैक्ट बहुत से लोगों को तो सर्दी भी लग रही होती है, तो दैट्स वेरी
गुड थिंग इनफैक्ट कि आप कुछ और सकते हो. सो यहाँ पर जी दिन हो चुका था और ये जी अब इस टाइम पर ट्रेन निकल रही थी फॉर रोड़ी. सो आपको सामने एक और ट्रेन नज़र आ रही होगी जिसमें एसी नहीं होता. सो उसके भी टिकट्स अराउंड 2,000 to 3,000 to 4,000 ही होते हैं. सो इकोनॉमी क्लास होती है और एसी बिजनेस भी वैसे उसमें होता है. सो उनके चार्जेस भी आई थिंक सो इसके बराबर बराबर ही होंगे. और एक्चुअली ग्रीन लाइन की जो कोचेस हैं वो अभी इन्होंने चाइना से इंपोर्ट की हैं, तो वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, थोड़ी न्यू टेक्नोलॉजी की हैं. सो इस वजह से लोग प्रेफर कर रहे होते हैं ग्रीन लाइन को. और बस ये रोड़ी से निकल रहे हैं और रोड़ी के बाद नेक्स्ट स्टॉप जो आएगा मैं उस पर आपसे बात करती हूँ. और मीनवाइल अगर कुछ स्टार्ट दरमियान में हुआ तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में भी आपको बताऊँगी. अच्छा जी, फाइनली अब हम पंजाब में एंटर होने जा रहे थे. बहावलपुर जी फर्स्ट स्टॉप है पंजाब में और सिंध को हम जी अलाफ़ करते हैं. अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेशन इज़ बहावलपुर और तकरीबन ये अराउंड 2 hours बाद ही आता है. और लश ग्रीन फील्ड्स आपको नज़र आ रही होंगी और आपको महसूस हो रहा होगा कि नाउ वी आर इन पंजाब. सो यस, बहुत ही अमेजिंग फील्ड्स, ग्रीनरी और पंजाब जी. ओके जी, फाइनली सनराइज हो रहा था अब. और ये इन्होंने जी मॉर्निंग में एक किट ला के दी और पाकिस्तान रेलवेज का लोगो है इस पर. और यहाँ पर बीच में वही सेम चीज़ें थी. अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा हो तो जी इनके पास अर्ली मॉर्निंग ये जी शेविंग किट है, साथ में कॉम है और डेंटल किट है. सो यू कैन ब्रश योर टीथ हेयर एंड यू कैन कॉम योर हेयर एंड शेविंग के लिए भी शेविंग किट है साथ में. ठीक जी, क्वालिटी ठीक है, बस इतनी कोई अच्छी वाली क्वालिटी की चीज़ें नहीं होती. बस नॉर्मली स्टैंडर्ड इन्होंने मेंटेन किया हुआ, रॉयल स्विस की तरफ से है. और आपको जो कंपनी खाना देती है ग्रीन लाइन में वो भी रॉयल स्विस ही है. सो पैकेजिंग उनकी होगी शायद, प्रॉबेबली ऐसा कुछ सीन होगा. ये एक और ट्रेन की क्रॉसिंग थी और क्रॉसिंग गुजारने के बाद ये जी सनराइज़ हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता. और बहुत अच्छा ये व्यू था इनफैक्ट, और बहुत ही अच्छा था, प्राइसलेस व्यू था इनफैक्ट. अच्छा जी, मेरी आंख तो रोड़ी पर खुल चुकी थी. सो रोड़ी के बाद ये जी बिस्किट्स खाए और क्योंकि अभी तक नाश्ता नहीं आया था. सो अगर आपके पास कोई भी चीज़ हो, पहली बात है आपको लेकर आने चाहिए चिप्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पर जो मिल रहे होते हैं वो कॉस्टली मिल रहे होते हैं. सो आपको अपने साथ चिप्स वगैरह और बिस्किट्स वगैरह ज़रूर लेकर आने चाहिए. सो उसके बाद जब मैंने वो बिस्किट्स खा लिए, उसके अराउंड हाफ आवर तक नाश्ता आ गया था. और नाश्ते में जी इन्होंने सबसे पहले ब्रेड सर्व की थी और साथ में फिर एक बॉक्स दिया था. और बॉक्स में मैं आपको दिखाती हूँ जी क्या क्या था. सो ये वाइट टिश्यू के साथ आपको जैम नज़र आ रहा है और ये येलो जो है ये बटर है और साथ में एग है और टिश्यू उन्होंने दे दिया था. बस दैट्स इट. आई थिंक उन्हें एक तो अंडे के साथ कुछ स्पाइस मिक्स देना चाहिए क्योंकि बिल्कुल ही अंडे में कोई फ्लेवर्स नहीं थे और यूजली बहुत से लोग अंडा खाते भी नहीं हैं. सो उसके बाद जी दो स्लाइसेस होते हैं ब्रेड के और बस जी ये नाश्ता करते हैं जी, जैसा कि आप देख रहे हैं. और लोग इस टाइम ट्रेन में नाश्ता कर रहे हैं और साथ में ये जी इस टाइम पर चाय आ चुकी थी. और चाय तो मुझे इनकी अच्छी लगी थी
और स्पेशली जब मैं ट्रैवल करी थी पिछली बार फ्रॉम रावलपिंडी टू कराची, तब तो बहुत ही मज़े की चाय थी। सो इतना मुझे कम्पिटेंट स्टाफ नहीं लगा कराची का स्टाफ, जो कराची टू लाहौर आता है फिर लाहौर में स्टाफ चेंज हो जाता है इनका। और क्लीनिनेस भी इतनी अच्छी नहीं थी कराची के स्टाफ की, और थोड़े बहुत इश्यूज तो थे डेफिनेटली। ओके जी, इस टाइम आप देख सकते हैं 106 पर किलोमीटर ट्रैवल करी थी, ट्रेन की स्पीड ये थी और नेक्स्ट स्टेशन ये था जी बहावलपुर। लुक एट दिस स्टेशन, कितना प्यारा सा ये स्टेशन है और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत 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 प्यारा है। अच्छा आप बताएं जी कमेंट सेक्शन में, रावलपिंडी का स्टेशन अच्छा है या बहावलपुर का? मुझे तो बहावलपुर का बहुत 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 अच्छा लगा था, और मैंने इसके बारे में सुना था कि ये बहुत लाइक ओल्ड स्टाइल का बना हुआ है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने इसके बारे में सुनी है। बट यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा स्टेशन, रेलवे स्टेशन पसंद है। सो उसके बाद जी बहावलपुर को अल्लाह हाफिज़ करते हुए, नेक्स्ट स्टेशन इज़ दिखाने वाला स्टेशन। सो वहाँ पहुँच के या उसके करीब करीब मैं दोबारा ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, और तब तक आप देखें जी फास्ट फॉरवर्ड में। जी इस टाइम हम जी लोधरा क्रॉस कर रहे थे, जो कि ग्रीन लाइन का ये स्टॉप नहीं है, इसलिए ग्रीन लाइन यहाँ पर नहीं रुकी, और बस जी आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। और बहुत से स्टेशन ऐसे होते हैं दरमियान में जहाँ पे ग्रीन लाइन ने नहीं रुकना, बेसिकली ग्रीन लाइन ने गिने चुने 6 स्टेशन पर रुकना है। सो वो तो आपको 6 स्टेशन फिंगर टिप्स पर याद हो ही जाते हैं। सो बेसिकली कराची कैंट, देन रोड़ी, देन बहावलपुर, और देन अभी हम जाने वाले थे नेक्स्ट स्टेशन खानेवाल। सो आप कार्टून्स भी इंजॉय कर सकते हैं ऑन ग्रीन लाइन, और बस इंजॉय करें, अच्छा सा सफ़र गुजरे आप सबका जो जो ट्रैवल कर रहे हों। और रिव्यू मुझे देना था, जो कि बेसिकली मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, रिव्यू होल जर्नी फ्रॉम कराची टू रावलपिंडी। सो इंजॉय करें। ओके जी, फाइनली वी आर एट खानेवाल जंक्शन, और यहाँ पर अब रुकेगी थोड़ी देर ग्रीन लाइन, और अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मिनट्स का स्टॉप है मेरे ख्याल से, या बहुत ही हो गया तो जी बहावलपुर का वैसे इतना होता है 2 to 3 मिनट्स का, और लेट्स सी खानेवाल आई थिंक सो ये 2 to 3 मिनट्स से तो ज़्यादा ही रुकी थी, तकरीबन 10 to 15 मिनट्स। अच्छा जी, ये है जी खानेवाल स्टॉप, और चलें जी ज़रा उतरते हैं अब खानेवाल पे। और मैंने गूगल पर चेक किया था कि ग्रीन लाइन डिफरेंट स्टॉप्स पे कितनी देर रुकती है। सो ये जी खाना आ चुका था हमारा, लंच खानेवाल से पहले बहावलपुर पर ही आ गया था, स्टाफ को मैंने रखते हुए देखा था। सो ये था जी हमारा लंच, और उसके बाद ये है जी खानेवाल स्टेशन। यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत सी एक मस्जिद थी, सो इसको थोड़ा सा कैप्चर किया जितना मैं कर सकती थी, एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सो बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है, और बस और तकरीबन ये 20 मिनट्स का ये स्टॉप है खानेवाल का, एंड यू कैन चेक इट ऑन गूगल ऑल्सो, सब स्टॉप्स की ड्यूरेशन आपको मेंशन होगी प्रॉपर, और उसी टाइम पे ही ग्रीन लाइन मूव करती है, ठीक है, उसको बहुत शेड्यूल ग्रीन लाइन फॉलो करती है। सो ये जी यहाँ पर इन्होंने मिनरल वाटर भी रखा होता है, मिनरल वाटर की फैसिलिटी भी होती है। सो इफ़ यू वांट टू हैव वाटर, सो आप इनके स्टाफ से कहें वो आपको पानी प्रोवाइड कर देंगे, आपको पानी अगर आप साथ नहीं लेके आना चाहते तो आप ना लेकर आए, ठीक है जी। और ये जी वापस मैं अपने कोच में आ चुकी थी, और जिसको बोगी नंबर बोलते हैं, और बस जी बैठते हैं अपनी सीट पर, और ट्रेन इंशाल्लाह जी चलेगी खानेवाल से, तो फिर नेक्स्ट स्टेशन मैं आपको बताती हूँ।
अच्छा जी, ये है जी बिजनेस क्लास ऑन ग्रीन लाइन। सो यहाँ पर लोगों को जो सफोकेशन की कंप्लेंस होती हैं, सो इसलिए लोग ज़रा पॉलर को प्रेफर कर रहे हैं आजकल। आई डोंट नो क्यों होती है वहाँ पर सफोकेशन, शायद थोड़ा छोटा सा कंपार्टमेंट है। ये जी लंच की तैयारी हो चुकी थी, सो एडम्स का ज़ीरा रायता आ चुका था हमारे पास, और आई थिंक सो पिछली दफ़ा भी यही आया था। सो खाने वाले को करते हैं बाय बाय, और नेक्स्ट स्टेशन का इंतज़ार करते हैं, और ट्रैवलिंग और सफ़र सब इंजॉय करते हैं जी एक साथ ही। अच्छा जी, यहाँ पर फाइनली हमारे पास लंच आ चुका था, और लंच मैं आपको बताती हूँ इसको ओपन करके। और ये जी उन्होंने दो लंच के ट्रेज रख दी थी यहाँ पर, और मैं अपनी उठा लेती हूँ यहाँ पर, और इसको ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ जी कि क्या सीन है जी। खाना ठंडा था, सो एक्चुअली मैंने उनको अगेन दे दिया कि आप प्लीज़ गर्म करके ले आए इसे, और उनके पास फैसिलिटी होती है, सो काइंडली अगर आपको खाना मिले और अगर वो ठंडा हो तो आप इनके स्टाफ से कहें, वो आपको गर्म करके ला देंगे। सो इसके बाद जी नेक्स्ट स्टेशन मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं ज़रा खाने का आपको बता दूँ। सो नान थे, साथ में बिरयानी थी, दाल थी, और चिकन कोरमा था, और साथ में गुलाब जामुन थे। सो यस, ये है जी इसका व्यू। और खाना मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अच्छा था खाना। पिछली दफ़ा मुझे दाल अच्छी लगी थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे दाल नहीं अच्छी लगी थी, और इनफैक्ट मैंने नान भी नहीं खाए थे, और एक्चुअली भूख नहीं थी वैसे इतनी। सो इसको खाते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। सो ये खाना मैंने स्टार्ट कर दिया था, बिरयानी इनकी अच्छी थी, और आप भी खाएं जी। टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, ये चम्मच आपके लिए है, ठीक है जी। और रायता भी अमेजिंग था जी, रायता तो मुझे ऑब्वियसली पहले भी बहुत पसंद आया था। सो बिरयानी में इस बार कोई पोटी शोटी नहीं थी, नथिंग। मतलब लास्ट टाइम तो चिकन के पीसेस थे ना, लेकिन इस बार आपको कोरमे में से डालने पड़ रहे थे वहाँ, और बस ही ये खाना इंजॉय किया। और उसके बाद ट्रेन ने जो अपनी स्पीड पकड़ी लाहौर के लिए, 100 अबव ही थी ट्रेन। सो ये देखें जी 105 किलोमीटर पर आवर, सो काफ़ी तेज़ स्पीड है ये, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इट्स नॉट फास्ट फॉरवर्ड गाइस, सो वीडियो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, ट्रेन ही इतनी फास्ट चल रही है। सो बस जी, आपसे तकरीबन लाहौर के करीब मिल पहुंच के फिर बात करते हैं। अच्छा जी, बेसिकली लाहौर के रास्ते में बहुत से स्टेशन्स आते हैं लाइक उकाड़ा वगैरह, लेकिन ग्रीन लाइन वहाँ नहीं रुकती। सो ग्रीन लाइन जहाँ पर रुकती है वो जी है लाहौर, लाहौर लाहौर जी, और जिन्हें लाहौर ने डेटे और जमया भी नहीं। सो ये है जी लाहौर स्टेशन, और बहुत हजल एंड बजल होती है लाहौर स्टेशन पर लिटरली। सो ये है जी सीन लाहौर स्टेशन का, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया। यहाँ पर जी हम लाहौर को करते हैं अल्लाह हाफिज, और तकरीबन ग्रीन लाइन मैंने आपको पहले भी बताया कि सही जाम पैक वाला सीन था, और थैंक यू सो मच लाहौर में दोजो मिलने आया। और उसके बाद जी यहाँ पर कुछ लाहौरियों को भी नहीं पता होता ना कि सेवर हमारे वहाँ मिलता है। खैर, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सेवर फॉर मी। और उसके बाद जी ये जी ग्रीन लाइन वालों ने समोसे और चाय दी थी, और जो जूस था वो तो जी अपना था, और ये वाली चाय मज़े की थी क्योंकि स्टाफ चेंज हो चुका था और लाहौर का स्टाफ था, और ये बीइंग अ ब्लॉगर स्ट्रगल टू कैप्चर अ ग्रेट व्यू। सो ये थोड़ी बहुत स्ट्रगल पे ऑफ लग रही है जी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी चाय और ग्रीन लाइन और मज़े का सफ़र।
अच्छा जी, नाउ वी आर सेइंग बाय टू गुजरांवाला ऑल्सो। और यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 6 स्टॉप्स होते हैं ग्रीन लाइन के, और हम गुजरांवाला भी नहीं रुके। और यहाँ पर अभी जी शो हो रहा था स्क्रीन पर कि नेक्स्ट स्टेशन इज़ चकलाला, और जो कि बिल्कुल ही रावलपिंडी के साथ है। और बस मैं आपको अभी स्टेशन्स के बारे में बता देती हूँ। कराची कैंट, उसके बाद जी हम हैदराबाद पहुँचे, हैदराबाद से रोड़ी, रोड़ी से हम पंजाब इंटर हो गए, बहावलपुर, खानेवाल, देन लाहौर, लाहौर है जी, और उसके बाद जी नाउ चकलाला। ओके, और बीच में जी काफ़ी सारे स्टेशन आते हैं, लोधरा आता है जो कि अभी गुजरांवाला आया, और ये भी आप देख रहे थे 104 स्पीड चल रही है जी ग्रीन लाइन की। और काफ़ी इसके बाद स्पीड पकड़ी थी लाहौर के बाद ट्रेन ने, ऑलरेडी 45 मिनट लेट थी लाहौर पर, लेकिन 45 मिनट को ज़बरदस्त तरीके से ग्रीन लाइन ने कवर किया। और बस जी ये यहाँ पे लश ग्रीन फील्ड्स, और जो कि बता रहे हैं कि जी पंजाब में हम आ चुके हैं। सो बस ये आप फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद तकरीबन जब हम करीब पहुँचने वाले होंगे रावलपिंडी के, सो फिर क्लोजिंग लेंगे ब्लॉग की और फाइनल वर्डिक्ट भी दे दूँगी मैं। अच्छा जी, ये इस टाइम हम वज़ीराबाद स्टेशन से गुजर रहे थे, और ग्रीन लाइन का ये स्टॉप नहीं है, ये है जी रिवर झेलम, दरियाए झेलम। सो आफ्टर मूनसून रेन यहाँ पर काफ़ी पानी आ चुका है, और जैसा कि अभी आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, अदरवाइज रिवर्स वगैरह तो काफ़ी ड्राई अप हो चुके हैं पाकिस्तान में। और बस जी उसके बाद ग्रीनरी और ये सब आपको नज़र आ रहा होगा, और इससे पता चल रहा है जी हम रावलपिंडी के करीब तकरीबन करीब पहुँच चुके हैं। सो बस जी तकरीबन करीब पहुँचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन अभी 2 hours या 3 hours और लगेंगे रावलपिंडी पहुँचने में। ओके जी, फाइनली अब हम तकरीबन रावलपिंडी पहुँचने वाले थे। सो ये एक ब्यूटीफुल सी कैट मुझे नज़र आई, सो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। और उसके बाद जी फाइनली वी आर एट रावलपिंडी, और गाड़ी से उतरते हैं ग्रीन लाइन से, और आपको प्लेटफॉर्म दिखाते हैं और रावलपिंडी का। सो एफर्ट पेज ऑफ, एंड सब कुछ बहुत अच्छा रहा, और 22 आवर्स की जर्नी थी, और ये पहुंच चुकी थी मैं रावलपिंडी और अपनी खाला के घर, और सफर सा किया जी डिनर। और इस टाइम तकरीबन 9:15, 9:30 का टाइम हो चुका था। ख़त्म, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।